एक कविता है जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, तो मैं वही शेयर करती हूँ आपसे। अब की ना भी आओ तो चिट्ठी जरूर पूरी लिखना। अक्सर अधूरी चिट्ठी लिखते हो तुम सफेद कागज पर छिली हुई उंगलियों से जो अपनापन उकेरते हो। जानते हो उन अक्षरों पर ही रात भर मैं अपनी उंगलियां फिराया करती हूँ। तुम कुछ दिन और बस की हिम्मत देते हो और उन बहानों और दलीलों से अक्सर मैं अपना मुंह मोड़ लेती हूँ। घर में सब कैसे हैं ये तो पूछ लेते हो, घर में सब कैसे हैं ये तो पूछ लेते हो, पर मेरी सहमी सी ढाई सांस नहीं पढ़ पाते। इस बार तोहफे मत लाना, इस बार तोहफे मत लाना, थोड़ी फुर्सत ले आना, थोड़ी फुर्सत ले आना कि मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीद, मेरी ख्वाहिशें जो हर बार मेरे आंचल के कोने में बांध जाते हो, उस गांठ को खोल देना, उस गांठ को खोल देना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि हर पल तुम्हारी याद आती है, हर पल तुम्हारी याद आती है, ट्रेन की आवाज से बारात के शोरगुल तक, बगीचे की चिड़ियाओं से लैंडलाइन की घंटी तक, हर बात ही तुम्हारी याद दिलाती है। मेरे आधे पौने ख्वाब जवाब में लिख नहीं पाती, मेरे आधे पौने ख्वाब जवाब में लिख नहीं पाती, मगर तुम्हारी याद में चाय में इलायची डालना नहीं भूलती। अच्छा सुनो, आलू के पराठे अब हर संडे सुबह नहीं बनाया करते। जब दिन तुम्हारे आने का होता है तो दिवाली ही तो मनती है, जब दिन तुम्हारे आने का होता है तो दिवाली ही तो मनती है। सारे त्योहारों का बकाया हिसाब जो तुम कुछ दिन की छुट्टियों में पूरा कर जाते हो, और फौजी की बीवी हो, खुद फौजी होती है, यही कहकर पूरे 6 महीने मेरे बितवा दिया करते हो। तुम जब जाने वाले होते हो तो जिंदगी की मिठास ही फीकी सी लगती है, तुम जब जाने वाले होते हो तो जिंदगी की मिठास ही फीकी सी लगती है, अक्सर इधर उधर मंडराते दो आंसू टपक ही जाते हैं। वो लड्डू जो माँ बांधती हैं उसमें घी नहीं प्यार बांधती हैं, वो लड्डू जो माँ बांधती हैं उसमें घी कम प्यार ज़्यादा बांधती हैं। और तुम्हारी बुशर्ट में जो बटन लगाने के बहाने मैं रख लेती हूँ ना, अगले 6 महीने उसी में तो तुम्हें महसूस किया करती हूँ। तुम्हारे जाने के साथ ही तुम्हारे वापस आने की घड़ियाँ गिना करते हैं। इस बार हो सके तो तुम ही आ जाओ, इस बार हो सके तो तुम ही आ जाओ। मैं ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है, तुम इतनी चिंता मत किया करो, इन दिलासों को छोड़कर हो सके तो इस बार खुद ही आ जाओ। और सुनो, अगर ना भी आ पाओ तो इस बार चिट्ठी ज़रूर पूरी लिखना। थैंक यू।